तो बेसिकली आज हम बात करेंगे गूगल सीट के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर के। जी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए, जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स में आपको कराए थे, मैथमेटिकल ऑपरेटर जो कि आपने देखा कि प्लस माइनस डिवाइड सबट्रैक्ट है, और आपने इसका बहुत सारे जगहों पे इस्तेमाल भी किया। अब बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? होते हैं इक्वल, सॉरी, इसमें हमें इक्वल डायरेक्ट नहीं डाल सकते, सिंगल कोट डाल के इक्वल डाले, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल। अब ये लॉजिकल ऑपरेटर करते क्या है? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ सेल्स का फिगर दे देता हूँ। अब मुझे चेक करने है कि कौन से सेल्स ग्रेटर देन 50 है। तो इसके लिए आप बोलेंगे सर इफ लगा लो। नहीं, इफ अलग चीज है, हम इस पे जस्ट लगाएंगे ग्रेटर देन 50, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट ट्रू आएगा। अब जैसे डालते ही बता रहा है कि सेम फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करना है, आप इस पर टिक कर दो तो फॉर्मूला नीचे तक ऑटोमेटिक ड्रैग कर देगा, आपको मैनुअल ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक तो नीचे तक इस तरह से हम ड्रैग कर, अब इसने क्या रिजल्ट दिया? इसने रिजल्ट दिया ट्रू और फॉल्स। क्या रिजल्ट दिया? ट्रू okay. फॉल्स। लेकिन इफ क्या करता है? अब इफ की बात समझते, इफ का काम है जो ट्रू है ना, इस ट्रू और फॉल्स को आपके आपके अपने रिजल्ट में कन्वर्ट करता है, जैसे कि ओके पेंडिंग ऐसे रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। अब इसको ओके और पेंडिंग को हमने इन्वर्टेड कॉमा में क्यों लिखा? क्योंकि ये टेक्स्ट है, एबीसीडी है, प्रिंट इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में लिखा। ठीक है, तो इस तरह से, तो इफ क्या करता है कि अगर बी टू पे जो लॉजिकल ऑपरेशन पे ट्रू आया तो ओके को शो करेगा, क्योंकि ओके ट्रू पार्ट में है, अगर यहाँ फॉल्स आया तो फॉल्स को शो करेगा। ठीक है सर, लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, हम सीधे यहाँ पे इफ का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं ग्रेटर देन 50, और फिर यहाँ पे ओके और पेंडिंग लगाते हैं, राइट। ठीक अब इससे इस यहाँ ध्यान इस चीज बताने के पीछे पर्पस ये है कि जो A3 इज ग्रेटर देन 50, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ए इंडिविजुअल है। हम यहाँ पे मर्ज कर रहे हैं एक फॉर्मूले के अंदर दूसरा फॉर्मूले मर्ज कर रहे हैं, सेम इसी तरह से, समझे। नहीं, समझा नहीं। वैसे मेरे को इफ तो पता है, लेकिन अभी आपने जो बोला वो नहीं समझा। जैसे कि इफ में आप ये लगाते हैं ना A3 by greater than 50, इफ का जी पार्ट जी नहीं है, ये इंडिविजुअल एक अलग कैलकुलेशन है। यहाँ इफ में हम मर्ज करते हैं, इफ को क्या चाहिए? ट्रू फॉल्स अच्छा, चाहिए। क्या चाहिए? ट्रू फॉल्स, ब्लू और फॉल्स चाहिए। समझ गए। हाँ तो ठीक ट्रू एंड फॉल्स की जगह पे हम कंडीशन लगाते हैं, तो एक कंडीशन ट्रू एंड फॉल्स रिजल्ट देता है, जैसे कि यहाँ पे इसने रिजल्ट दिया हुआ है, है। समझ गए सर। ठीक है, यह इफ का पार्ट नहीं है। ए इफ का पार्ट नहीं है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ इफ, ए इंडिविजुअल है, इफ में इसको कंबाइंड करते हैं, समझ गए सर। नहीं, कोई दिक्कत इसमें? ठीक अब हम बात करते हैं यहाँ इफ फॉर्मूले की। चलिए इफ के कुछ एग्जाम्पल देते हैं, कुछ नाम मैं यहाँ लिखता हूँ। ठीक है सर, पहले एक डेटा बनाता हूँ, है। नाम बना, और इस नाम को हम नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, और फिर वापस इस नाम को हम सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद डेटा में आता है शॉर्ट। एक मिनट, शॉर्ट करते तो नेम सेलेक्ट नहीं करेंगे, हाँ क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट ए ठीक टू जेड। नेम आ गया नीचे ना, ये दिक्कत था कि नेम आ जाएगा, कोई बात नहीं।
नेम को छोड़ के करना पड़ेगा। हाँ हाँ मैं सिलेक्शन जो है ना ये था सर, या फिर सीट सेलेक्ट करना, ये डेट रेन सेलेक्ट करना होता है, हमने रेन सेलेक्ट नहीं किया मैं था। समझ गया, कोई नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है कि यहाँ पे देखना है कि अगर ए देव पहला बार आ रहा है तो यहाँ पे यू आना चाहिए, और बाकी जगह पे डी फॉर डुप्लीकेट, यू फॉर यूनिक। फिर यहाँ पे यू आया, मैं चाहता हूँ इसमें से एक एक नाम मतलब यूनिक नेम को हटाना, मतलब नाम को, मतलब कि जैसे कि देव है तो देव को मुझे सिर्फ एक बार आना चाहिए। हालांकि तरीके से बहुत सारे, लेकिन मैं इफ से करना चाहता हूँ। तो मैंने नेम का लिस्ट लिया, उसको शॉर्ट कर दिया ताकि सारे नेम इकट्ठा हो गए। शॉर्ट करने का पर्पज क्या था कि सारे नेम यहाँ इकट्ठा हो ए टू जेड ए टू जेड। तो ठीक यहाँ पे फॉर्मूला लगाया इफ का और बोला कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से, समझे सर? ठीक है ऐसा है तो यहाँ पे यू आ, नहीं डी आ जाए, नहीं तो यू आ। ठीक है, ठीक है हमने फॉर्मूला लगाया कि सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो डी आए, अदरवाइज यू आए। एंटर प्रेस करते हैं, आप देख लीजिए, यहाँ पे टिक करा देता हूँ, देख रहे हैं ए बराबर, नेम और दे बराबर ठीक नहीं था तो यू दे दिया, बाकी बराबर था डी, यहाँ पे यू दिया फिर डी, समझे? है अब चलिए मान लीजिए मुझे इसमें सीक्वेंस देना है, वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह के, फिर यहाँ पे वन से स्टार्ट होता है, सबको एक नंबर देना है। तो यहां भी सेम फॉर्मूला आएंगे, हम लिखेंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो जहां फॉर्मूला लग रहा है वो अपने ऊपर वाली वैल्यू से वैल्यू में प्लस वन कर दे, नहीं तो वन से स्टार्ट कर। तो यहां पे देव और नेम बराबर नहीं है तो ये वन से स्टार्ट, और देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, यहाँ आ गया। अब नीचे की तरफ अगर हम इसको ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे टू आया, क्यों? क्योंकि देव और देव बराबर है, इसलिए इसने क्या किया, सी टू में प्लस वन कर दिया। ठीक है सर, ठीक रहा है? ठीक और यहाँ पे देखिए वन हाँ था ये अलग, राइट सर? मेरे को फिर से ये वाला एक मिनट देखिए, क्या इसमें आप फॉर्मूला को देखिए और बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। हाँ अभी आपने ये किया कि जो ए टू मतलब जो देव है वो ए वन मतलब कि अपने ऊपर वाले वैल्यू के बराबर है, ठीक है, तो सी वन और प्लस वन जहां क्या है फॉर्मूला लग वो। रहा है वो अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करके कंटिन्यू सीक्वेंस को कंटिन्यू करें, अदरवाइज वन से स्टार्ट कर, नेम अगर चेंज हो रहा तो सी सी में है। सी सी वन से क्या लेना देना है। सी वन ऐसे डाल दिया नीचे ड्रैग कर, अब यहाँ पे सी टू आ गया ना, अब यहाँ सी टू का लेना देना है ना सर। अब यहाँ देखिए इसको समझिए, अब समझ में आया कि नहीं? मेरे को चीजें तो समझ में आ रही कि वो आप कहना क्या अब चाहते यहाँ पे हैं, देखिए ना, लेकिन यहाँ पे वो देखिए, यहाँ पे देखिए सी, अगर ए सी ए टू और ए थ्री आपस में बराबर है तो सी टू में प्लस वन कर दे, सी टू पे क्या वन है, प्लस वन करने में क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा ना। अच्छा, समझा समझा अब समझा। यहाँ पे क्या होगा, सी थ्री हो जाएगा, हाँ सी हाँ थ्री में प्लस ठीक वन तो थ्री आ जाएगा, ऐसे ही फोर, ऐसे फाइव, फिर यहाँ पे देखा तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, जैसे सिक्वेंस वन से शुरू कर दिया। इससे पता चल गया कि देव हमारा टोटल कितना बार रिपीट हो रहा है, उसका सीक्वेंस नंबर दे दिया हमने, हर हर किसी को एक एक नंबर दे दिया, सीक्वेंस दे दिया। अब समझ में आ गया? ठीक है अब सीक्वेंस की ही बात कर रहे हैं हम, तो मान लीजिए कि मैं एक डेटा एंट्री कर रहा हूं कि नेम एड्रेस सिटी, ऐसे एड्रेसेस है।
और भी डेटा हो सकता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, वन लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ पूजा, एड्रेस लिखता हूँ F101, सिटी लिखता हूँ दिल्ली, फिर यहाँ पे वापस टू करता हूँ, फिर अगली डेटा एंट्री करता हूँ। अब 1 2 3 4 5 तो इजिली कर लेंगे, लेकिन आप देखेंगे ऑफिस के रजिस्टर वगैरह में क्या होता है कि सीक्वेंस नंबर काफी बड़ा होता है, 800 200 300 ऐसे होते हैं क्या? हाँ, तो नीचे वाली सेल में आके ऊपर वाले सेल को प्लस करके वन कर देंगे। हाँ तो यहाँ क्या होगा, क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे इफ सामने वाली वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है। अब ग्रेटर देन 0 क्यों किया, क्योंकि तो ब्लैंक सेल, हाँ ब्लैंक सेल गूगल सीट और एक्सेल दोनों के लिए 0 होता है। अगर कुछ अच्छा, टाइप है ब्लैंक इसका सेल मतलब दोनों के लिए 0 से जीरो। ऊपर ठीक है, समझे? सर, सर एक बार फिर से बताइए, अगर ये ब्लैंक सेल है, जीरो है तो। हमने बोला कि इफ सामने वाले वैल्यू 0 से ऊपर है तो अपने ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दो, नहीं तो इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड क्लोज, मतलब कुछ प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं अब इसको नीचे की तरफ हम कॉपी, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं और नीचे की तरफ हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, जैसे है, मैंने मोहन डाला आ गया, ये दो हो जाएगा। उदय डाला आ गया, कविता डाला आ गया, तो गया। अब फॉर्मूला एक एक समझिए। ब्लैंक छोड़ के डालिए तो हाँ, यही पे एक एक प्रॉब्लम है कि एक ब्लैंक छोड़ के यहाँ डालेंगे तो क्या आना चाहिए, क्या लग रहा आएगा? पांच आना चाहिए। नहीं, एरर आएगा, नहीं वन आएगा, सॉरी, यहाँ ऑन आ रहा है बट एक्सेल में एरर आता है। क्यों ऐसा आया क्यों? बताइए, सोचिए क्यों आया? क्योंकि वो ब्लैंक वाले सेल में एक जोड़ दे नहीं, रहा है, हाँ, मैंने क्या बोला, ब्लैंक 0 होता है, ब्लैंक क्या होता है, 0, 0 + 1 इक्वल जीरो टू 1। 1 आएगा ना, क्योंकि हमने इस हाँ फॉर्मूला का थोड़ी बोला है कि भाई अगर ऊपर वाली वैल्यू ब्लैंक है तो तुम ऊपर की ऊपर वाली वैल्यू ले लो, हाँ जैसे कि मैंने बताया गूगल गूगल सीट तो गधा प्रसाद है, जब तक आप उसको बोलोगे हाँ नहीं कि पानी पीने के लिए चाहिए कि नहाने के लिए चाहिए, तब तक कैसे करेगा वो? वो तो पानी। हाँ अब पानी बोलेगे तो ऐसा हो सकता है कि वो पूरी के पूरी पंप सेट ही चला दे, हाँ या बाल्टी में एक बाल्टी भर के ले जाए, या हो सकता है कि एक टैंकर ही ले जाए हाँ क्या? हाँ तो इसलिए बताना, इसका सलूशन क्या होना चाहिए, क्या लगता है क्या सलूशन होना चाहिए, मैं बताऊं या आप यहाँ रिसर्च पे एक करेंगे? सेकंड एक सेकंड, ये आपने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे जैसे कुछ करूँ तो यहाँ पे 5 हो जाए, ठीक ना? यही आप चाहते थे ना? सीक्वेंस क्या हो जाए, 4 5 आ जाए, फिर नीचे 6 आ जाए, फिर 7 आ जाए, मतलब कि अभी क्या है कि अभी जो मेरा फॉर्मूला है वो वर्क करता है सीक्वेंस, मतलब कि अगर मैं कुछ गैप वगैरह नहीं देता हूँ तो नंबर मुझे दे देता है। अब मैं यहाँ पे गैप देता हूँ तो प्रॉब्लम क्या होती है, 1 से शुरू होता है। अब जरूरी नहीं कि गैप एक ही हो सकता है 5 गैप हो, 5 गैप भी तो हो सकता है। तो यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि इफ फॉर्मूला लगा दूं कि ऊपर वाली वैल्यू को चेक कर ले फिर करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ सस्पेंस के, हो सकता है रात में आपको नींद ना आए, सस्पेंस हटा देते हैं। यहाँ जो हम ए टू प्लस 1 आ रहा है ना, इसके जगह पे सिंपल हम मैक्स का फॉर्मूला लगा, ठीक है ना? मैक्स में ए टू से लेके ए टू प्लस 1, और पहले वाले ए टू को हम कर देंगे फ्रीज, दूसरा ए टू को नहीं करना है, दोनों हो गया, माफ कीजिए, शॉर्टकट इसे पूरा कर देता है, एक ही शॉर्टकट यूज होना चाहिए। सर, ए टू से ए टू में +1 क्यों हम कर रहे हैं? बताते हैं, सबर रखिए, थोड़ा सबर रखिए, नीचे तक ड्राइव। अब हुआ क्या कि हमने क्या किया, ए टू से ए टू, राइट, और हमने पहले हाँ वाले को फ्रीज किया,
मतलब जब नीचे ड्रैग करेंगे तो ए टू फिक्स होगा, पर लास्ट एंडिंग पार्ट को मैंने फ्रीज नहीं किया, नीचे वाला चेंज होगा। तो जब नीचे फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया ए टू से ए थ्री। वन एंड टू का मैक्सिमम निकाल निकाला लगाना, टू निकाला और इसे प्लस वन करके थ्री शो कर दिया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, वन एंड फोर का मैक्सिमम निकाला, वन टू थ्री का मैक्सिमम थ्री होगा, प्लस वन कर दिया। तो ये लास्ट पॉइंट दिख रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, जैसे जैसे नीचे ड्रैग कर रहा हूँ, दिख रहा है सर। और सेम अभी थिंग समझ यहाँ पे में आया। हुआ, सेम थिंग यहाँ पे हुआ ए। मतलब मैं मैथ्स का जो रिजल्ट दिया और मैंने बोला कि जय महा, जहां पे मेरी फॉर्मूला लग रही है ना, वहां से ऊपर तक ये सारी वैल्यू की मैक्सिमम निकाल दो। अब जितना गैप जो उससे क्या मैक्स, निकल, समझे कि नहीं सर। हाँ मतलब जो मैक्स है उसमें प्लस वन ये ऐड कर प्लस रहा वन है। आ जाएगा तो इसमें ब्लैंक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ब्लैंक क्या है, क्योंकि वो तो ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा का मैक्सिमम निकाल रहा है ना। हाँ, बीच में कोई लिख देता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया उदय, यहाँ पे मान लीजिए उदय लिख देता हूँ, मैं एंटर मारता हूँ, तो देखिए कंटिन्यूस हुआ, 6 यहाँ आ गया और नीचे 7 आ गया। एक और बेनिफिट, ठीक है सर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम एंड मैं लिखा टू, मैं यहाँ पे एक सीरियल बनाना चाहता हूँ या डेट ही बनाना चाहता हूँ। या तो सीरियल लेते हैं और डेट भी लेंगे, यहाँ पे बाद में डेट भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वन लिख दिया, मैं बोलता हूँ कि मैं टू में अगर 10 तक दिया तो सीक्वेंस 10 तक ही बनना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। 15 करूँ तो ऑटोमेटिक 10 15 इंक्रीज होना चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, इफ लगाएंगे इसमें ऊपर में। इफ F6 में मैंने प्लस वन किया अगर वो ग्रेटर देन 10 है, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे ब्लाइंड कर दो, अदरवाइज ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन करो। एक और हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, ये आपका रिजल्ट आ गया। नीचे ड्रैग करने से पहले I3 को फ्रीज कर देते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। अब यहां देखिए, जैसे ही ब्लैंक हुआ वैसे क्या आ गया है, हालांकि उसके बाद एक्शन वो वन से स्टार्ट हो गया ना, फिर इसको जीरो समझ लिया ना इसने। तो यहां हमने जो किया ए प्लस वन जो किया ना, इसमें क्या लगाए हैं पता है आपको, यही चीज जो यहां लगाया, मैक्स। मैक्स में F6, F6 से F6, और पहले वाले F6 को क्या कर देना है, फ्रीज, जी और फिर इसमें प्लस वन करना है। अब इसको नीचे तक ड्रैग कर, हो गया सर। अभी तो ये बिल्कुल खाली हो गया, अब खाली है, आपको खाली दिख रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला कंटेन किया हुआ है। फॉर्मूला जैसे लगा ही, हुआ है। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे 15 किया तो ये ऑटोमेटिक 15 तक इंक्रीज हो जाएगा, 20 किया तो 20 तक हो जाएगा, 5 किया तो 5 तक, 7 किया तो 7 तक, 10 किया तो 10 तक, 15 किया तो 15 तक, समझ गए। कोई अच्छा डाउट इसमें। एक चीज और मेरे को बताइए सर, जैसे पूजा मोहन उदय कविता उदय, ठीक है, एक बार इन दोनों को फिर से रिपीट कर दीजिए, पूजा से लेकर उदय को फिर एक बार नीचे पेस्ट कर दीजिए, इसको देखिए, इस वाले इसमें पूजा नाम से को। कोई, इसको नाम से कोई लेना देना ही नहीं है इसको सर। नहीं मैं कुछ और पूछ रहा था हाँ, इसलिए कह पूछिए, रहा क्या था, पूछिए, बताइए। और फिर एक बार और इसको रिपीट कर दीजिए पूजा को, मतलब पूजा से लेके यहाँ से फिर एकदम 16 नंबर से, 16 नंबर रो से फिर इसको पेस्ट कर दीजिए दोबारा, कर बस दिया, कर ठीक दिया। है। अब मैं चाहता हूँ कि पूजा से लेके उदय तक को वो 1 2 3 4 5 दे, लेकिन फिर पूजा जैसे ही स्टार्ट हो उसके सामने वो 2 नंबर दे दे, और आप मोहन के चाहते हो, सामने भी फिर आप दो ये चाहते हैं नंबर कि वन पूजा, जैसे पूजा रिपीट हुआ था, टू पूजा यहाँ रिपीट हुआ था, तीन यस पूजा ऐसे देना चाहते हैं, जैसे तीन जो चीज पूजा। जो हमने यहाँ हाँ किया है, राइट। हाँ ऐसा ही सर। देखिए यहाँ पे करने के लिए हमने डेटा को शॉर्ट किया, अगर डेटा शॉर्ट कर लेते इसका यूज कर सकते हैं, डेटा शॉर्ट नहीं किए तो इसका भी हो सकता है, उसके लिए लगाना पड़ेगा हमें काउंट इफ का फॉर्मूला।
समझे। और सेम नेम आपका जो मैक्स है ना, मैक्स वाला मेथड में देखिए बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लगाया काउंट इफ का फॉर्म। काउंट इफ में अगर पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पे देख लीजिए, और इसको सेलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस करते हैं, तो ये आपका 3 आ गया, जबकि आना चाहिए 1। तो यहाँ भी हम जो काउंट इफ के अंदर जो रेंज देंगे ना ए, तो ये B2 से B2, और पहले वाला B2 हो जाएगा फ्रीज। पहले वाला B2 क्या हो जाएगा? फ्रीज। इस बात समझ में आया कि नहीं आपको? नहीं, ये अभी नहीं समझ में आया मेरे को ये वाला सर। मैक्स लगाया था ना आपने, हाँ मैक्स वाला ही पूरा ये देखे, यही बोल रहे थे ना आप? पूजा, तो फिर पूजा को दो, देखिए वहां पे पूजा 1 नंबर है, तो यहाँ पे पूजा 2 नंबर हो गया, फिर अगले में पूजा 3 नंबर हो गया। हाँ ऐसे ही बोल रहा था मैं। हो गया। बट ये कैसे लगाया था आपने? एक बार रुकिए, मेरे को देखने दीजिए। काउंट इफ लगा दिया आपने, ठीक है, पूरा बस B2 को आपने सेलेक्ट कर लिया, ओनली एक सेलेक्ट किया ओनली B2 को, है ना? नहीं, यहाँ पे देखिए, हमने B2 से B2 लिया, हमने B2 से B2 लिया, और पहले वाले B2 को हमने क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया, ताकि हम नीचे ड्रैग करें तो B2 B2 रहे, बट B2 दूसरा वाला B2 B3 हो जाए। वो सेम जो हमने मैक्स में लगाया, हमने बोला कि जहां फॉर्मूला लगा रहे हैं वहां से ऊपर तक की B2 से वैल्यू को B2 ही कैसे, देखें, मतलब दो? नीचे का हम देख ही पा रहे हैं। होता है क्या, सुनिए, अगर आपने पूरा रेंज ले लिया तो काउंट इफ सारे पूजा को काउंट करेगा, बट मैंने बोला कि आपको काउंट कहाँ करना है, जहां मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना उसी से ऊपर तक को काउंट करना है, नीचे के डेटा से मतलब ही नहीं है। जैसे अब यहाँ पूजा जो आ रहा है, तो इसमें रेफरेंस क्या है? B2 से B11 है ना, तो नीचे जो पूजा उसे मतलब नहीं। अभी इस रेंज से पूजा 2 बार आया, जैसे 2 दे दिया इसने, नीचे जो पूजा है उसका कोई मतलब ही नहीं उसको, उससे समझ में अच्छा आया? अच्छा सेम अपने उसी उसी एक पार्टिकुलर सेल को ही आपने वो कर दिया है ना, जी B2 से B2 ही आपने कर दिया हाँ, है B2 से ना? B2 कर मतलब दिया, और आपने B2 अब B, पहले वाले B2 को कर दिया फ्रीज। ये इंपॉर्टेंट हाँ और है, फिर वरना क्या होगा, सबको 1-1 आएगा। हाँ, ओके, इसको ठीक ट्राई है, कीजिएगा। और आज का छोटा हाँ सा ये है, आपको एक क्वेश्चन है। हाँ हमने यहाँ पे दिया, आपको एक फॉर्मूला लगाया, और फॉर्मूला लगा के देखा कि हमने यहाँ पे सीक्वेंस बना रहे हैं, कि मैं यहाँ पे 20 करता हूँ तो 20 आ जाता है, 10 करता हूँ 10 हो जाता है, 5 करता हूँ 5 हो जाता है, 15 करता हूँ 15 हो जाता है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि ठीक ऐसा है, बनाइए कि 5 से 15 तक का सीरियल नंबर आए, ठीक है ना? 5 से 5 से 15, यहाँ पे 5 से 15 दिखना चाहिए। 5, अगर मैं कहता हूँ 10 से 20, तो 10 से 20 होना चाहिए। तो क्या चेंजिंग करेंगे इसको आप, ये आप सोचिए और बताइए। ठीक है, ए फाइल ठीक शेयर, ए फाइल आपको शेयर कर देता हूँ। है। हाँ मेरे को एडिट भी कर दीजिएगा। हाँ एडिट तो है ही ऑलरेडी, आपको दिया हुआ है। ऐसे आप जो लिंक, पहलू का लिंक था उस पर भी वर्क कर सकते हैं आप। लिंक्स अच्छा हमेशा ठीक है, सेम ही ठीक होता है, अलग अलग नहीं होता है। स्टैटिक की जगह पे एनी शेयर लिंक कर दिया, कॉपी लिंक एंड डन। ठीक है, इसको कीजिए। कल की क्लास में हम हाँ बात करेंगे एंड और फॉर्मूले के बारे में, ठीक है? हाँ चलिए, ठीक और है, मेरा जो बाय बाय। सोल्यूशन है उसको करके भेजिए, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है।